श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पिछले करीब 15-16 वर्षों में शिक्षा विभाग या शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है या जो बदलाव आए हैं, यह आज सबके देखने और महसूस करने की बात है। आज पूरा बिहार उस बात को देख रहा है और महसूस कर रहा है। आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि पहले जैसे हमारे जिन बच्चों की उम्र स्कूल जाने की हो चुकी है, उन बच्चों में से लगभग 12.5% बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। यह पूरे बिहार के लिए पीड़ा की बात थी और नीतीश कुमार जी ने अपना पहला लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में यह बनाया कि हम सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाएंगे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्कूल से बाहर छूट जाने वाले बच्चों की संख्या आज 12.5% से घटकर 0.5 से भी नीचे आ गई है। शिक्षा के सार्वजनिकरण या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो कहते हैं, जिसके हिसाब से हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, इसकी पूर्ति में हमारी उल्लेखनीय प्रगति है और मुख्यमंत्री की अग्र सोच, उनकी दूरदर्शी नीतियाँ, ये सब उसके कारक है। इसी तरीके से विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे। आपने देखा होगा कि अभियान चला के लगभग 4 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई, फिर बीच में जो पद रिक्त हुए हैं, सभी बिहारवासी परिचित हैं कि विभाग के द्वारा अभी नियोजन का अभियान चल रहा है और लगभग 1.25 लाख शिक्षक प्रारंभिक विद्यालयों में और लगभग 5,500 शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाने हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। आज लगभग हर पंचायत में 9वीं-10वीं तक पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है और अगले साल 2 साल में 12वीं तक की पढ़ाई हो जाएगी। यानी माध्यमिक विद्यालय तो लगभग सभी पंचायतों में चल रहे हैं, अगले 1-2 वर्षों में उच्च माध्यमिक भी सही पंचायतों में चलने लगेंगे। ये पहली बार बिहार में हो रहा है कि निर्णय लिया है कि प्रारंभिक विद्यालय यानी प्रारंभिक और मध्य विद्यालय और फिर उच्च विद्यालय यानी माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, इन चारों तरह के विद्यालयों में अब बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उत्तीर्ण शिक्षक ही प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक नियुक्त हो पाएंगे। ये निर्णय सरकार ले चुकी है, पदों का सृजन हो चुका है और आरक्षण संबंधी रोस्टर क्लियरेंस के बाद अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी और हम समझते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जब सुयोग्य शिक्षक अलग अलग विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि उन विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल ही बिल्कुल बदल जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाल के जो अभ्यर्थी हैं उनका आवेदन लेके उसका प्रोसेसिंग करके अंतर्वीक्षा का काम प्रारंभ कर दिया है। कुछ एक विषयों में नियुक्तियां भी लगभग तय हो गई हैं और आने वाले कुछ समय में अलग अलग विभागों में जो प्राध्यापकों के पद की रिक्तियां हैं उनको भरने का काम हो जाएगा और स्वाभाविक रूप से
जब महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में जब शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी और सभी स्वीकृत पदों पर शिक्षक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे, इसका पढ़ाई पर सीधा अच्छा असर पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर से लेके उच्चतर स्तर तक हम लोगों ने न सिर्फ सुधार का काम किया है बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन किया है जिसका असर आने वाले समय में बिहार के लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।